तो दोस्तों आज के दौर में अगर कोई एक्टर सुपरस्टार बनने के लेवल पर है तो वो कार्तिक आर्यन है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब बॉलीवुड के सबसे सुपरस्टार सलमान खान ने कार्तिक आर्यन की तारीफ करते हुए कहा है कि कार्तिक आर्यन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के नेक्स्ट सुपरस्टार है। कार्तिक आर्यन एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के साथ किए एक कन्वर्सेशन शेयर किया है। कार्तिक आर्यन ने कहा कि बॉलीवुड के ज्यादातर पार्टीज में या फंक्शंस में सलमान खान और कार्तिक आर्यन आमने सामने हो जाते हैं, कई बार इनके बीच बातचीत होती है, और उस दौरान सलमान खान ने कार्तिक आर्यन से एक बात कही कि सबकी फिल्म सुपरहिट हो रही है और उनमें से तुम्हारी फिल्म सुपरहिट हो रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सबकी फिल्में फ्लॉप हो रही है और तुम्हारी फिल्म सुपरहिट हो रही है तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होती है, और कार्तिक आर्यन ने ये करके भी दिखाया है। जैसे कि आप सबको पता है कि सलमान खान कार्तिक आर्यन से किस विषय में बात कर रहे थे, पिछले ही साल की बात है। एक तरफ अक्षय कुमार के तीन तीन चार चार फिल्में फ्लॉप हो गई, दूसरी तरफ वरुण धवन की भेड़िया फ्लॉप हो गई, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, लेकिन कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया बुरे वक्त में भी एकदम सुपरहिट हो गई। तो इससे आप कह सकते हो कि कार्तिक आर्यन ने एक नई हिस्ट्री क्रिएट किया है, और हिस्ट्री क्रिएट करने वाले को ही सुपरस्टार कहते हैं। कार्तिक आर्यन कहते हैं कि वो ओवरऑल पैकेज है सुपरस्टार बनने के लिए। वो डांस कर सकते हैं, वो एक्शन कर सकते हैं, वो रोमांस कर सकते हैं, वो कॉमेडी कर सकते हैं। जब ये सब एक ही एक्टर कर सकता है तो फिल्म फ्लॉप कैसे हो सकता है? इसीलिए कार्तिक आर्यन का कहना है कि वो अपनी फिल्मों में इतना कुछ देते हैं, इसी वजह से उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती है। खैर, ये कॉन्फिडेंट कार्तिक आर्यन का अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट जो है इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, और इसका जीता जाता एग्जांपल बॉलीवुड के कई सारे एक्टर हैं। खैर, इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।